साथ को सुद साथ को लखनी नानक नारी विच कुना साथ को सुद साथ को लखनी नानक नारी विच कुना नानक नारी विच कुना गुर सेवा ते सुख पूजे गुर सेवा ते सुख पूजे फिर दुख ना लगे आए फिर दुख ना लगे हर हर अपनी दया कर हर बोली बैली हर हर अपनी दया कर हर बोली हर नाम धियाई हर उल्ला हर लाहा लेनी हर नाम धियाई हर उल्ला हर लाहा लेनी हर
तिन सराह तिन हो गुरबैणी। जो जपते हर हर दिन सराह बाणी विच एक बचन कहिंदे, गुर सेवा ते सुख उपजे फिर दुख ना लगे। अज दा मनुख सुख चाहुंदा है, सुखां दे मगर भज्जिया फिरदा है, पर गुरु अमरदास पातशाह बचन कहिंदे हन, गुरु के सिखा जे सुख चाहुंदे तां फिर एक बचन पल्ले बन, तेरे नेड़े दुख नहीं आवेगा, खुशियां ते खेड़ा तेरे पैर च। गुरु अमरदास पातशाह बचन कहेंगे कि गुरु दे दर ते जे तू श्रद्धा ते भावना नाल मन ला के सेवा करे, तेरे शरीर दे नेड़े दुख नहीं आवे। नाम जपण नाल आत्मा सुखी, मन शांत हो जाता, हाथी सेवा करन नाल तन सुखी हो। बाबा दविंदर सिंह दी बेदी तिना दे महिला ने एक बार महापुरुष बाबा ईश्वर सिंह जी नानसर वालियां नूं बेनती की थी, महापुरुष आए हो उन्ने विच चरण पाए हैं ते कृपा करो साडे ग्रह विखे भोजन छकन। महापुरुष माता जी की बेनती करन ते महापुरुष कहन लगे, माता जी वैसे तो किसी के घर असी भोजन छकन नहीं जाते, गुरु नानक दे लंगर विच भोजन छकीद है, पर तुसी गुरु नानक दी आंस इनकार नहीं कर सकते, इस घर दे कुकर हां। जिस तरह हुक्म महापुरुष बाबा जी दे घर पहुंचे, प्रसाद छके वापस आउन लगे, माता जी ने एक बेनती की थी, महापुरुष कृपा की थी जी चरण पाए भोजन छके, एक बेनती, गुरु नानक की कृपा इस घर विच सिमरन नाम जपिया जाता है, मन शांत आत्मा सुखी, पर महापुरशो कुछ शरीरक दुख है, कृपा करो कोई रेख विच मेख मारो आ शरीर का दुख दूर हो जाए। पहला तो महापुरश मुस्करा पे, गल टाल दिती, यह गुरु नानक दे घर दुख कितों आ सकता है। पर फिर माता जी ने दूसरी बार बेनती कर दी, महापुरशो आए हो कृपा करो शरीर कुछ दुखी, शरीर नू कुछ दुख है,
महापुरशां दे हाथ सब कुछ हुंदा। बाबा जी कहन लगे, माता जी तुहाडे घर विच गुरु नानक दी कृपा है, खुशियां खेड़ा है, नौकर चाकर हन। माता जी एक बेनती, हां तो तुहाडे छोटे बच्चे हैं, पर एक बेनती, इस घर विच नाम का जपिया जांदा है, सिमरन तो हुंदा है, पर घर विच नौकर चाकर हुंदे हैं, कदे इस घर विच हाथी सेवा नहीं होई। माता जी जब गुरु नानक दे घर दीआं संगतां इस गुरु नानक दे घर आउण, कीर्तन होवे, माता जी जे तुसीं हाथी लंगर विच बह के सेवा करो, जिथे तुहाडी आत्मा सुखी उथे तुहाडा तन भी सुखी होवेगा, तुहाडे शरीर दे नेड़े दुख नहीं आवेगा। साडा ये वचन है, संगत विच बह के जिथे नाम जपना है उथे लंगर विच बह के सेवा भी करनी। माता जी ने महापुरशां दा वचन पल्ले बन ले। शाम दा वक्त होया, गुरु कीआं संगतां ने लंगर छकिया, माता जी का सारा परिवार लंगर विच बह के, माता जी के आले दुआले सारे लंगर दे भांडे, ते माता जी अपने हत्थी सेवा कर दे, ते नाल नाल सेवा कर दे, ते नाल नाल शब्द पढ़ दे, गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगे आए। सचमुच सेवा करद्या करद्या कुछ दिनों विच ही माता जी का शरीर कंचन वर्गा हो गया, शरीर सुखी हो गई, पर महापुरश वचन कर दे, रेख विच मेख मार दे। वचना नाल भी कई बार शरीर ए तन दा दुख कटिया जाता, कितने सुभाविक वचन भी हो जाए, पर महापुरश का यह वचन कर दे सेवा ते सिमरन। जिन्हों ने भी सेवा की, गुरु नानक के घर की सेवा ही, पर ये कोई बीज बोल, कोई भी बीज बोया जाए समा भावें लग जाए पर एक दिन प्रफुल्लित हो जाए। नाम का बीज बोया जाए वह भी प्रफुल्लित हो जाता है, सेवा का बीज बोया जाए वह भी प्रफुल्लित हो जाता, सेवा कदे व्यर्थ नहीं जाती, सा सेवा की सफल है। साहब कहते हैं पर शर्त है जित सतगुरु का मन मन, ओ सेवा सफली जड़ी सतगुरु नू पाउंदी हो, सतगुरु नू चंगी लगती हो, ते सतगुरां नू ता सेवा, संगत दी सेवा, जोड़ियां दी सेवा, लंगर दी सेवा, ए सेवा कदे व्यर्थ नहीं जांदी। जो गुरु अमरदास पातशाह बार बार ये वचन कहिंदे, बार बार सानू प्रेरणा कर रहे हैं, गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगे आए। उन्हां दे नेड़े दुख नहीं आउंदा जो साहिब अपनी बाणी विच वचन कह रहे, गुर सेवा ते सुख उपजै, गुर सेवा ते सुख उपजै। एक छोटा जा बच्चा महापुरशां दे स्थान ते सेवा करदा है, झाड़ू देंदा है, भांडे बर्तन साफ करदा है, आएगी अतिथियां दी सेवा करदा है, शामां पैंदियां घर वापस चले जांदा है, सेवा कराउंदे महापुरश कदे कदे वचन कह देंदे हैं, बेटा निरंकार तैनूं वड्डे भाग लावे, तू गुरु नानक दे घर दी सेवा करदा, बड़े प्यार विच झाड़ू देना, भांडे बर्तन साफ करदा, गुरु नानक कृपा करे तेनू वड्डे भाग लावे। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा न जाए। सुभाए कदे महापुरश वचन कर दे व्यर्थ नहीं जाए, रब दी नेत ऐसी, इथों दे रहण वाला राजा जिदे घर औलाद नहीं हुई,
बच्चा नहीं होया। बड़े उपाव कीते गए, देवी देवते मनाए गए, पीर फकीर मनाए गए, आखिर पुत्र दी दात हासिल ना हुई। जोशिया नु बुलाया कि कोई उपाव दस। जोशी कहन लगे, राजन तेरे कर्मा विच ता पुत्र नहीं लिखे। राजन कहिंदा कोई उपाव ता दसो, मैं उपाव कर लेना। जोशी कहन लगे, राजन एक उपाव है, हो सकदा है तेरे घर पुत्र हो जावे। केड़ा उपाव? राजन किसी सुंदर बच्चे नु मुल ले ले, उस बच्चे नु चांदने ऐतवार देवी दी भेटा कर दे, देवी प्रसन्न हो जावेगी, राजन तैनू वर देवेगी, तेरे घर पुत्र हो जावेगा। इको उपाव है, तेरे घर पुत्र हो सकता है किसी बच्चे नु चांदने ऐतवार देवी दी भेटा कर दे। पर राजे महाराजा वास्ते मामूली गल है किसी बच्चे नु मुल ले लेना, किसी बच्चे नु देवी दी भेटा कर देना। हुक्म कर दिता, शहर विच ऐलान कर दे, कोई अपना बच्चा वेचना चाहुंदा है राज दरबार विचों मुंह मंगवा पदार्थ लै सकदा, जो चाहे धन जितना चाहे लै सकदा। शहर विच टंडोरा फिर गए, पर ये आवाज इस बच्चे दे माता पिता दे कन्ना विच पई। इस बच्चे दे घर विच बड़ी गरीबी, एक टाइम दा पकदा है, दूसरे टाइम दा फिक्र हुंदा है। माता पिता विचार करन लगे, होवे ना असी अपना एक पुत्र वेच देईए, घर दा गुजारा चल पवेगा, घर विच रोटी पकण लग जावे। सोच कीती, विचार कीती, किस बच्चे नू वेचीए। मन विच ख्याल आया, आ तीन बच्चे छोटे, तीन वड्डे कुछ काम करदे, घर दा गुजारा चलदा, पर एक बच्चा ऐसा है रोटी तां घरों खांदा, सारा दिन महापुरशां दे स्थान ते गुजार देंदा, सारा दिन उत्थे झाड़ू देंदा रहिंदा, सानू उहदा कोई लाभ नहीं। होवे ना उसे बच्चे नू वेच देई। विचार कीती, राज दरबार विच सनेहा भेज दिता, अहलकार उस बच्चे दे घर आ गए। पर हुण अहलकार उड़ीकदे, बच्चा महापुरशां दे स्थान ते सेवा कीती, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे चरणां विच नमस्कार कीती, गुरु का हुक्म सुने, गुरु का हुक्म कन्नां विच आवाज पई, गुर सेवा ते सुख उपजे फिर दुख ना लगे आए। हुण ये शब्द कन्नां विच गूंजण लग पे, मत्था टेक के जदों घर तुरन लग्या, महापुरश रस्ते विच मिल पे, नमस्कार कीती, मत्था टेकिया, ते महापुरशां ने भी आशीष दे दित्ती, काका निरंकार तैनू वड्डे भाग लावे। महापुरशां दी आशीष लई ते हुण उह शब्द गुरु अमरदास पातशाह दा शब्द पढ़दा होया कन्नां विच आवाज गूंजदी, ते नाल घर तुरिया आउंदा, ते नाल नाल ये शब्द पढ़दा हुंदा है, गुर सेवा ते सुख उपजे, गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख ना लगे आए, फिर दुख ना लगे आए, फिर दुख ना लगे आए, फिर दुख ना लगे ते सुख उपजे, गुर सेवा ते सुख उपजे। शब्द पढ़ दे, बच्चा घर पहुंचे, घर आउंदिया मां नूं कहे, मां रोटी दे बड़ी भुख लगी। मां ने रोटी दिती, बच्चे ने बुरकी तोड़ी, मूंह विच पाउण लगा ते की तकिया, इस बच्चे दे पिता ने इशारा कर दिता, आ बेटा, आ बच्चा साडा जिसनू असी वेचना चाहुंदे।
जदों उस बच्चे ने अहलकारा वाल तकिया, अहलकारा ने बच्चे वाल तकिया, बच्चा तो बहुत सुंदर बच्चा है। बच्चा कहन लगा, मां आ की गल है, आ कुछ लोग मेरे घर मेरे वाल क्यों तक रहे हैं। मां की गल है, मां का मन भर गया, बच्चा है, ममता है, मां है, मन भर गया, नेत्रां विच कुछ जल आ गया, बेटा कोई गल नहीं, ना मां मैं जरूर पूछना की कारण, आ लोग मेरे वाल क्यों तक रहे। मां का मन भर गया, आखन लगी, बेटा की दसा, घर विच बड़ी गरीबी, एक टाइम का पकदा दूसरे टाइम का फिक्र हुंदा। बेटा राजन ने ऐलान किया सी, कोई अपना बच्चा वेचना चाहुंदा है, मूह मंगवा पदार्थ लै सकदा। बेटा असी तेनू राजन पास वेच दिता है, आ राजन दे अहलकार तेनू लैण आए, बच्चे की रोटी उत्थे ही छुट गई, की चंगा लगता। मां मैनू वेच दिता है, मैनू किस कारण वेचण लगी, मां मेरे होर भी तो भरा हैं। बेटा तीन भरा तेरे वड्डे कुछ काम कार करते, तीन छोटे हैं, पर एक तू रोटी तो घरों खाना, सारा दिन संतां दे डेरे ते ला आना, सारा दिन उत्थे बिता देना, इस वास्ते असी विचार कीता कि होवे ना तेनू वेच देईए, घर का गुजारा तो चल पवे। बच्चे दे नेत्रां विचों जल वहन लग पिया, मां इस वास्ते मैनू वेच रही है कि मैं घरों रोटी खाना, ते सारा दिन महापुरशां दे स्थान ते गुजार देना। मां अज तो बाद मैं रोटी भी घर नहीं खावांगा, जिस महापुरशां दे स्थान ते सेवा करदा मैं रोटी भी उत्थों खा लवांगा, पर मां मैनू ना वेच। बेटा आ अहलकार तेनू लैण आए, असी तो वेच दिता, बच्चे का मन भर गया। मां माता पिता भावे कितने भी गरीब क्यों ना हो, अपना बच्चा तो कोई नहीं वेचते। अहलकारा ने बच्चे नू फड़े राज दरबार विच ले आए, राजे ने तकिया बड़ा सुंदर बच्चा है, हुक्म कर दिता इस बच्चे नू सुंदर वस्त्र पहना दे, जो मंगदा इस बच्चे नू दे। पर हुण बच्चे दे कन्ना तक आवाज पहुंच गई कि राजे ने चांदनी ऐतवार देवी दी भेटा कर देनी। बच्चे दे पैरां तों मिट्टी निकल गई, शरीर कंब गया, महापुरुष तां कहिंदे सन, काका निरंकार तैनूं वड्डे भाग लावेगा, तेरे नेड़े दुख नहीं आवेगा, मैं देवी दी भेटा हो जावांगा। सुनिया कि सेवा कीती व्यर्थ नहीं जांदी, पर मेरी सेवा कीती तां व्यर्थ चली गई, मैं देवी दी भेटा हो जावांगा। सोचदा विचारां करदा राजे दे अहलकार, बेटा भोजन छक, पर की चंगा लगदा जिस बच्चे नू पता होवे कि अज तो अठवें दिन मेरी मौत हो जानी, एवें कहिंदा सै सेवा सफली हो जांदी, ऐ तां सेवा व्यर्थ चली गई, महापुरशां दा वचन भी व्यर्थ चले गए। सोचदा विचारां करदा अठ दिन लंघ गए, अज ओह दिन आ गया जिस दिन बच्चे नू देवी दी भेटा करना, बच्चे नू इशनान करा के सुंदर वस्त्र पहनाए, बच्चे नू अहलकार मंदिर ते लै गए, जिस मंदिर ते देवी दी भेटा करना है बच्चे, की तकिया जलाद खलोता है, जिसने बच्चे नू कतल करना है, बच्चे नू अहलकार ले आए, बच्चे ने मंदिर दे बाहर बैठ के
चार ढेरियां मिट्टी दिया बना ली। एक ढेरी ते हथ रखदा ढा देंदा, दूसरी ढेरी ते हथ रखदा ढा देंदा, तीजी ढेरी ते हथ रखदा ढा देंदा, चौथी ढेरी ते हथ रख के कुछ पढ़ता, बार बार ढेरियां बनाउंदा, तीन ढेरियां ढा देंदा, एक ढेरी ते हथ रख के बह जांदा। अहलकार उड़ीक कर रहे हैं राजे ते राणी कि कदों राजा ते राणी आउण, हुक्म करन ते बच्चे नूं देवी दी भेटा कर दिता जाए। उड़ीकदियां राजा ते राणी भी आए, मंदिर विच नमस्कार कीती, नमस्कार करके जदों उस बच्चे दे कोल आए, तकिया बहुत सुंदर बच्चा है, तकदियां तकदियां हैरान हो गए कि बच्चा चार ढेरियां बनाउंदा, तीन ढेरियां ढा दिंदा, एक ढेरी ते हथ रख के बह जांदा, कुछ चेर पढ़दा, फिर ढेरियां बनाउंदा। राजे ने पुछिया, बेटा आ की कर रहे, आ केड़ी खेड खेड रहे? राजन तुसी अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहे। बेटा तेरा केड़ा काम? आ मिट्टी दियां ढेरियां बनाउणा एक काम है। राजन की दसा, पुछना है? हां बेटा जरूर पुछना है। आ केड़ी खेड खेड दे? राजन मैं चार ढेरियां मिट्टी दियां बनाई, सब तो पहली ढेरी तां मैं अपने माता पिता दी बनाई। बच्चे नू माता पिता दा बड़ा माण हुंदा है, आसरा हुंदा है, माता पिता नाल प्यार हुंदा है, माता पिता दा भी बच्चे नाल प्यार हुंदा है। पर राजन मेरे माता पिता ने तां माया दे लालच विच आके मैनू वेच दिता। राजन मेरा आसरा टुट गया, मैं ओ ढेरी ढा दित्ती, ओ आसरा छड दित्ता। राजन दूजी ढेरी तेरी बनाई। राजा प्रजा दा मालिक हुंदा है, दुख सुख विच सहायता करदा है। पर राजन तैनू तां अपने पुत्र नाल मतलब सी, किसे दा पुत्र बेशक कतल हो जावे, किसे दा पुत्र भावें देवी दी भेटा हो जावे, राजन तैनू तां अपने पुत्र नाल मतलब सी, इस वास्ते राजन मैं आ दूजी ढेरी भी ढा दित्ती, तेरा आसरा भी छड दित्ता। राजन तीसरी ढेरी कोई शहर में सियाने पुरश हुंदे, पर राजन सारे तां तेरे तो डरदे हैं, किसी ने भी मेरे माता पिता नूं ये नहीं आखिया कि अपने पुत्र नूं ना वेच, क्योंकि तेरे तो डरदे हैं। इस वास्ते राजन मैं आ तीजी ढेरी भी ढा दित्ती, चौथी ढेरी मैं उस मालक दी बनाई, उस ढेरी ते अजे हथ रख के बैठा, उस आस विच बैठा, सुनिए प्रभ पावे बिना सांस ते राखे, प्रभु नूं पावे ते बिना सुआसा तो रख सकदा है। राजन मैं उस ढेरी ते हथ रख के बैठा, उहदे आस विच बैठा, उहदे चरणां विच अरदास करने आ, उतना तेरे ढेरी ते हथ रख के बैठा, जदों राजन मेरे शरीर विचों सुआस निकल जाणगे फिर ये ढेरी आपे ही ढह जाएगी। राजन दे पैरां हेठों मिट्टी निकल गई, शरीर कंब गया, राजा ते राणी हैरान हो गए कि इहो जिहा बच्चा, इतना लायक बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, इतना सियाणा बच्चा, जिहड़ा मालक दा आसरा टकी बैठा है, उस ढेरी ते हथ रख के बैठा है। राजे ते राणी दे नेत्रां विचों जल वहण लग पिया, ऐसे बच्चे नूं देवी दी भेटा कर देना चंगा नहीं, ऐसे बच्चे नूं देवी दी भेटा कर देना ठीक नहीं, पता नहीं देवी प्रसन्न होवे या ना होवे, जे देवी प्रसन्न भी हो जावे पता नहीं वर देवे ना देवे, जे वर भी दे देवे पता नहीं लड़का होवे या लड़की होवे, जे लड़का भी हो जावे पता नहीं सपुत्र होवे या पुत्र होवे या कपुत्र होवे, क्योंकि संसार विच तीन तरह के पुत्र होंदे हन, एक पुत्र जन्म लेंदे हन जो लकीर दे फकीर होंदे, जिवें माता पिता दा सुभा, माता पिता दी रहनी बहनी, माता पिता दा काम कार, उसे तरह बच्चा भी लकीर दा फकीर मगर मगर तुरिया जांदा है, ऐसे बच्चों नूं पुत्र करके जाणिया जांदा है। एक संसार विच कपुत्र भी जन्म ले लैंदे,
जिहड़े माता पिता के नां नूं कलंक ला देंदे, माता पिता के नां नूं मिट्टी विच रोल देंदे, पिता की पग नूं पैरां विच रोल देंदे, ऐसे बच्चे भी जन्म ले लैंदे। और एक सपुत्र हुंदे जो माता पिता के नां नूं चार चन्न ला देंदे, सेवा करदे, नाम जपदे, जिथे माता पिता की जय जयकार होंदी उत्थे दुनिया के लोग बच्चे की भी शोभा करदे। ऐसे बच्चे भी जन्म लेंदे, राजा ते राणी सोचदे ने कि ऐसा बच्चा जन्म ना लै लवे, साडा नाम मिट्टी विच रोल दे, ऐ भी तां बच्चा ही है ना, इस बच्चे नूं असीं मुल लै लईए साडी मर्जी, हुण इस बच्चे नूं कतल कर दिता जावे जां साडी मर्जी इस बच्चे नूं राज सिंघासन ते बिठा दिता जावे। राजा ते राणी सोचदे विचार करदिआं करदिआं, पर हुण सेवा कीती व्यर्थ किवें चली जावे, फिर महापुरशां दा वचन किवें व्यर्थ चले जावे। अज रेख विच मेख मार दित्ती, राजे ते राणी दा मन बदल गया, क्योंकि सेवा कीती थाए पै गई, सेवा कीती अगे आ गई, सेवा दा बीज बोया प्रफुल्लत हो गया, राजा ते राणी दा मन बदल गया। राजे ने ऐलान कर दिता, ऐ दुनिया दे लोगो, जिथे इस बच्चे नूं देवी दी भेटा करना सी, हुण इस बच्चे नूं राज सिंघासन ते बिठा के राज तिलक दिता जावेगा, कतल नहीं कीता जावेगा। दुनिया दे लोग हैरान हो गए। जदों बच्चे दे कन्नां विच आवाज पई, बच्चे दे पैरां च मिट्टी निकल गई, ओ मन्ना ओ मैं तां फुरने बनाउंदा सां, मेरी सेवा व्यर्थ चली गई, महापुरशां दा वचन व्यर्थ चले गया। अज पता लगा कि महापुरशां दा वचन कदे व्यर्थ नहीं जांदा, पर जदों सहज सुभा नाल किते महापुरश वचन कर देवन, साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए, महापुरशां दा वचन व्यर्थ नहीं जांदा। हुण राजा उस बच्चे नूं हाथी ते बिठाया, राज दरबार वल लिजा रहे, राज तिलक देण वास्ते। ते हुण बच्चा नेत्रां विचों जल वी वहिंदा, ते नाले शब्द पढ़दा, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जिहड़े चित ला के सेवा करदे उन्हां दी सेवा सफल ही हो जांदी, जो सहिब धन गुरु अर्जन देव पातशाह अपनी बाणी विच वचन कर रहे हैं, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित ला, जे को करे चित ला, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, फल पावना, मन चिंदिया फल पावना, हाँ मैं बिचो जा बंधन तोड़े मुक्त हो, सच्चे रे समा, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित ला, जे को करे चित ला,
जग में नाम अलग है। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसे मन मा, नाम जो गुर सेवे आपना, जो गुर सेवे आपना। सतगुर की सेवा सफल है, जिनको करे चित ला, जिनको करे चित ला। सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, राज दरबार विच लिखा अद्धे राज भाग का मालिक बना दिता, राज तिलक दे दिता, पर बच्चा संत सेवी सी, नाम जपन वाला सी, सेवा करन वाला सी, हिरदे विच रहम सी, पुन दान करन वाला, शहर विच ऐलान कर दिता, जिस पास धन नहीं, धन ते कपड़ा नहीं, राज दरबार विच आके लै सकदा, गरीब गुरबे दियां लैणा लग गई, कोई धन ले जा रहे, कोई तन वास्ते कपड़ा ले जा रहे, पर जिहड़े धन ले जा रहे वो पुछदियां ने, राजन ए धन तुसी वापस कदों लोगे। बच्चा कहिंदा है जदों राजा मरेगा उदों धन वापस लवांगा, जदों राजा मरेगा दुनिया के लोग हैरान हो गए, अहलकारा ने कन्ना विच आवाज पई, अहलकारा दे पैरां चों मिट्टी निकल गई, राजन नूं आके राजन आ तुसी नाबालिग बच्चे नूं राज सिंघासन ते बिठा दिता है, अद्धा राज दे दिता है, तुहाडा धन भी लुटा रहे, तुहाडे मारन दियां भी ब्यौंता बणाउंदा है कि जदों राजा मरेगा उदों धन वापस लवां। राजा कहिंदा जितना चिर मैं अपने कन्ना नाल सुणदा मैं विश्वास नहीं करदा। राजा भी उस लैंड में आ खलो गया, एक गरीब का भेस बना के उस लैंड में धन मंगन वास्ते खलोता है। जब राजे की वारी आई धन मंगिया, राजन ने पूछे उस बच्चे नूं, राजन ए धन वापस कदों लोगे, तो बच्चा कहिंदा जदों राजा मरेगा उदों धन वापस लवां। राजन नेत्र लाल कर ले, शरीर तरप गया, बेटा मैं तेनू अद्धे राज भाग का मालिक बना दिता है, तू मेरे मारन दियां ब्यौंता बना रहे, राज दा धन भी लुटा रहे हैं ते मारन दियां ब्यौंता। बच्चा हैरान हो गया, हाथ जोड़े, पिता जी मैं तुहानू मारना नहीं चाहुंदा, मैं तां तुहाडी लम्मी आजू करना चाहुंदा। आ गरीब गुरबे जिन्हां पास धन नहीं, तुहाडे दरबार विचों धन ले जा रहे, उन्हां दे पासों पुछो वो की कहिंदे जांदे, वो मालक दे चरणा विच अरदास करदे जांदे, हे मालक ना राजा मरे ना सानू धन वापस करना पवे। उस मालक दे चरणा विच जदों ये अरदास करनगे, अरदास उस दरगाह विच पहुंचेगी, तुहाडी उम्र लम्मी हो जाएगी। मारना नहीं चाहुंदा, लम्मी आजू करना चाहुंदा। राजे दे पैरां चों मिट्टी निकल गई, शरीर कंब गया, इहो जिहा लायक बच्चा, ऐसे बच्चे नूं मैं अद्धा राज दित्ता है। राजन ने उस वक्त चाबियां रख दित्तियां, बेटा अज तो बाद तू सारे राज भाग का मालिक है, जो चाहे कर सकदा है। पर वो बच्चा
हुण राज महिलां विचों तुरे किथे महापुरशां दे अस्थान ते आ नमस्कार कीते, झाड़ू दिता, भांडे बर्तन साफ कीते, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे चरणां विच मत्था टेकी ते फिर सिर झुक गया महापुरशां दे चरणां ते। महापुरशो अज तुहाडा बचन तीन काल सत हो गए है। तुसा एक दिन बचन कीता सी काका निरंकार तेनू वड्डे भाग लावे, अज मैं राज भाग दा मालिक बन गया, इस शहर दा राजा बन गया। महापुरश कहन लगे, बेटा ये तां तेरी सेवा नू फल लगे, तू गुरु के घर सेवा करदा सै, तन मन धन नाल तेरी सेवा कीती सफली हो गई। ओ बेटा ए मालिक दे दर ते सेवा कदे व्यर्थ नहीं जांदी, जिन्हां ने श्रद्धा नाल प्यार नाल सेवा कीती। आओ समा हो रहे जो गुरु पंचम पातशाह अपनी बाणी विच बार बार ये बचन कहिंदे, आओ एक बार इन्हां तुकां नू पढ़ लईए। उपरंत कीर्तन दी समाप्ति। सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित ला, जे को करे करे